UPSC के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए निजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस में आज के इकोलॉजी एनिकोलॉजी सीरीज के वीडियो में हम स्पीशीज यानी कि प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे तो स्पीशीज़ इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट स्पेसिफ़िक क्लासिफिकेशन दैट साइंटिस्ट यूज़ टू डिस्क्राइब एनिमल्स तो स्पीशीज का यूज़ अक्सर साइंटिस्ट करते हैं किसी भी एनिमल को डिस्क्राइब करने में यानी कि स्पीशीज़ की जानकारी सबको होना ज़रूरी नहीं है देर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं आपको सबके नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है इट ओनली रिक्वायर्स अगर आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में है कि मतलब आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ के नाम याद रखिए देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज और लर्न द नेम्स ऑफ दो स्पीशीज़ यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि स्पीशीज़ एक्चुअली होता क्या है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया स्पीशीज़ साइंटिस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है किसी भी एनिमल या फिर प्लांट को सेपरेटली डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने के लिए ओके एंड साइंट यूज द सिस्टम ऑफ़ बाय नॉमिलियलियलियलिय नामिथ्लेचर टू डिस्क्राइब एनिमल विदाउट द कन्फ्यूजन ऑफ कॉमन नेम्स तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनके नेम्स कॉमन होते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट सेम होते हैं तो उनको एक मैथड है ये बायनॉमिल नॉमिनथ्लेचर इस मैथड का यूज़ करके किसी भी स्पीशीज़ का नाम दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा है बायनॉमिल बायनॉमिल मतलब कि दो नाम दिए जाते हैं जैसे कि हमारे नेम में क्या होता है एक फर्स्ट नेम होता है एक लास्ट नेम होता है मतलब कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कभी कभी भी लोग मिडिल नेम भी रखते हैं लेकिन यहाँ पर बाइनोमियल है तो यहाँ पर सिर्फ दो नाम रहेगा एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फर्स्ट नेम में उनका जेनस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनस होता है और सेकेंड में जो होता है वो स्पीशीज़ नेम होता है तो इसी तरीके से ये बाइनोमियल नॉम यूज होता है किसी भी स्पीशीज़ का नाम देने के लिए ठीक है नाव विल सी वॉट अ डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर जेनेटिक हेरिटेज एन एंड आर एबल टू इंटरब्रीड एंड टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग दैट आर ऑल्सो फर्टाइज तो यहाँ पर डेफिनेशन आपका यहीं पर क्लियर हो जाता है कि स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म से ग्रुप होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है वो एनिमल्स होंगे वो प्लांट्स भी हो सकते हैं दे नीड टू बी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर बायोटिक ऑर्गेनिज्म सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गैनिज्म जो कि जेनेटिक हेरिटेज उनका सेम हो सेम होता है मतलब शेयर करते हैं अपने जेनेटिक हेरिटेज को और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे या फिर जो क्रिएट होंगे वो खुद भी फर्टाइल होंगे और आगे को आगे मतलब रिपोर्ड्यूस कर सकेंगे ओके सो इन सिंपल टर्म्स यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पीशीज वो ऑर्गेनजम या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटरब्रीड या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ वो भी फर्टाइल ओके नेक्स्ट इज डिफरेंट स्पीशीज़ आर सेपरेटेड बाई ईच अदर बाई रिप्रोडक्टिव बैरियर्स मतलब कि स्पीशीज़ को हम सेपरेट कैसे करते हैं जैसे कि कोई एक एनिमल है उसमें अलग अलग स्पीशीज़ है तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे तो उनको रिप्रोडक्टिव बैरियर के थ्रू सेपरेट किया जाता है अब ये रिप्रोडक्टिव बैरियर जो होते हैं वो जोग्राफिकल भी हो सकते हैं जैसे कि माउंटेन रेंज हो गया अब कहीं पर हिमालयन माउंटेन रेंज है इस माउंटेन के रेंज के साइड दूसरे स्पीशीज़ हैं उस माउंटेन रेंज के साइड दूसरे स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है अब ये जोग्रफिकल बैरियर है ये दोनों ये जो स्पीशीज़ है यहाँ एक दूसरे से इंटरप्रिट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो मिल ही नहीं पाएंगे सो दैट्स व दिस इज एज जोग्राफिकल बैरियर और इसी की वजह से ये एक तरीके का इनका रिप्रोडक्टिव बैरियर हो जाएगा और अलग अलग स्पीशीज़ इनको दिए जाएंगे नाम दिए जाएंगे दूसरा जेनेटिक बैरियर भी हो सकता है तो जो जेनेटिक बैरियर होता है वो अलाउ ही नहीं करता है दो पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्शन का मान लीजिए डॉग है कैट है तो इनका जेनेटिक बैरियर है जेनेटिकली अलग अलग हैं तो ये एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ ना अगर हम बात करें हिस्ट्री की ये स्पीशीज़ का हिस्ट्री क्या रहा है तो साइंटिस्ट अक्सर ये जो स्पीशीज के नाम हैं इनमें हमेशा ही एवोल्यूशन या फिर चेंजेस होते आ रहे हैं पहले क्या होता था पहले ये कार्ल लेनस हैं कार्ल लेनस ये इन्होंने ही बायोमियल नाम चर का एवोल्यूशन किया था या इन्होंने ही नॉमनक्लेचर स्टार्ट uh, किया था और एनिमल को क्लासीफाई या फिर रिक्लासीफाई किया गया था जेनर स्पीशीज और सब स्पीशीज के बेसिस पर बेसिस क्या था ये थाचर इनको जेनर स्पीशीज और सब स्पीशीज में क्लासीफाई किया जाता था ठीक है सेवनटीन हंड्रेड्स में स्टार्टिंग में ये सेवनटीन हंड्रेड टाइम है उस समय लेनस ने क्लासीफाई करते थे एनिमल्स सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो भी एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस था उन्हीं के बेसिस पे ये नाम दे देते थे, थे. मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं नीम प्लांट हो गया तो नीम प्लांट सारे नीम प्लांट्स एक जैसे दिखेंगे लेकिन नीम के बहुत सारे और भी कैटेगरीज होते थे लेकिन अब फिजिकली अगर रिजेम्बलेंस उनका सेम होगा तो एक ही स्पीशीज़ के अंडर में आते थे अकॉर्डिंग टू लेनेस अंडर बाइनोमियल नोमचर लेकिन धीमे धीमे ये इवॉल्व होता गया अब हम जेनेटिक या फिर जीन्स के बेसिस पे स्पीशीज़ का नामकरण करते हैं कोई भी स्पीशीज़ है, स्पीशी है फिर एक स्पीशीज है दूसरा स्पीशीज़ है उनका जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली जेनेटिक जेनेटिक मैथड यूज होता है जेनेटिक टेक्निक होता है स्पीशीज़ को अलग अलग नाम देने में या फिर अलग अलग स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए ओके okay. उसके बाद आते हैं चार्ल्स टाविन चार्ल्स टाविन को तो आप जानते ही होंगे ये चार्ल्स हैं और इन्होंने ही इनको ही इनको uh, एवोल्यूशन के फादर कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन ही हैज़ गिवन मेनी थियोरीज और इन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस मतलब क्या होता है एक सिंगल स्पीशीज से बहुत सारे स्पीशीज निकलना मतलब कि मल्टीपल स्पीशीज ए बी सी बहुत सारे स्पीशीज एक सिंगल स्पीशीज से निकल सकता है और प्रोसेस क्या होता है वो नेचुरल सिलेक्शन का ये प्रोसेस क्या है देखिए क्या होता है कोई भी स्पीशीज़ को या किसी को भी रिप्रोड्यूस करने के लिए रिलायबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है हर जगह हर समय रिप्रोडक्शन नहीं होता है इट नीज़ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम होता है एनवायरनमेंट जो होता है वो भी रिलायबल होता है तो ये सारी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन चाहिए तब जाके रिप्रोडक्शन होता है अब क्या होता है टाइम के अकॉर्डिंग ये कंडीशन चेंज होती रहती हैं सो बिकॉज ऑफ़ दैट अलग अलग स्पीशीज जनरेट होती हैं एक सिंगल स्पीशीज से सो दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन और डारविंग के अकॉर्डिंग यही प्रोसेस है कि सिंगल स्पीशीज से मल्टीपल स्पीशीज भी जनरेट हो सकती हैं एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे कि पोलर बेयर और ग्रिल्स डॉग्स एंड वूल्स ये सारे इन्हीं okay, के एग्जाम्पल्स हैं ओके मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है बियर के एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि पहले स्टार्टिंग में क्या था आइस कैप मतलब आइस एज था अर्थ पे आइस एज के समय क्या था पूरा अर्थ जो था वो आइस से कवर्ड था अब यहाँ पर अक्सर पोलर बियर हुआ करते थे पूरे मतलब कि अर्थ पे जहाँ जहाँ आइस कैप है या फिर आइस का कवरेज है वहाँ पोलर बियर्स होते थे क्योंकि ये वाइट टर्क होते थे मतलब इनके लिए एरिया सूटेबल होता है ये सरवाइव तो सर्वाइव कर सकते हैं अब धीमे धीमे जब ये आइस कैप्स मिट्ट होने लगे तो नए नए इसके बियर्स के स्पीशीज आने लगे क्योंकि उनको इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं था पोलर बेयर के लिए हर जगह इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं था कि वो अपना स्पीशीज़ बचाए रखें तो इसीलिए क्या हुआ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इनके जेनेटिक्स में चेंज आएँ जेनेटिक्स में चेंज आने की वजह से इनको अलग स्पीशीज ही बना दिया गया फाइन सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ अब हम बात करें टाइप्स की तो सबसे पहला है टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल जो भी सिमिलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको एक स्पीशीज़ के अंडर में रखा जाता है अभी हमने जो तरीका देखा था स्टार्टिंग में वही यहाँ पर मेथड यूज़ हो रहा है तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर कैप्ट अंडर टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक सॉरी माइक्रो स्पीशीज माइक्रो स्पीशीज मतलब माइक्रो क्या होता है बहुत ही स्मॉल स्केल पे होते हैं तो स्मॉल स्केल पे सिंगल पेरेंट के थ्रू जो ऑप्टेंट किए जाते हैं स्पीशीज़ एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उनकी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड सा होगा उनको हम माइक्रो स्पीशीज कहते हैं नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज तो बायोलॉजिकल स्पीशीज सिंपल है सिम्पल सा टर्म है मतलब मान लीजिए सेम स्पीशीज़ के मान लीजिए होमोसेपियंस है तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं इनका सेक्शुअली uh, रिप्रोडक्शन होते हैं होता है इसीलिए इनको बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कहते हैं तो इस तरह बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं बहुत सारे मैमल्स होते हैं सो दे वुड कम अंडर बायोलॉजिकल स्पीशीज़ नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी स्पीशीज एवोल्यूशनरी हमने चार्ल्स डार्विन का हमने देखा कैसे टाइम uh, के साथ इन्वायरमेंट uh, के कंडीशन चेंज होने की वजह से स्पीशीज़ कैसे इवॉल्व हुए हैं सो दैट वुड टर्म अंडर एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ नेक्स्ट इज सक्सेशनल स्पीशीज़ सक्सेशनल में क्या होता है ये फाइलेक्टिक लाइनेज जो इंक्लूड करते हैं वो आते हैं सक्सेशनल स्पीशीज सक्सेशन मतलब क्या होता है एक के बाद एक के बाद एक आना इसको हम सक्सेशन कहते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं मान लीजिए ये एंसेस्टर हैं और ये डिसेंडेंट हैं एंड सिस्टर मतलब फोर फादर हो गए डिसेंडेंट मतलब जो अभी हैं या फिर आगे आएंगे जो स्पीशीज आएंगी तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनका जो एवोल्यूशन है हमारी जो फॉर्मेशन है जो अभी लास्ट स्पीशीज़ है इनका फॉर्मेशन जस्ट जो फॉर्मन स्पीशीज़ था उनके उनसे ही इनका स्पीशीज फॉर्म हुआ है सो दिस टाइप ऑफ लाइनेज वुड बी कॉल एज फाइलैक्ट्रिक लैंग्वेज और ये सक्सेशनल स्पीशीज़ के अंडर में आएंगे फाइन अब कुछ टर्म्स हैं जो कि स्पीशीज से रिलेटेड हैं लाइक हाइब्रिड हाइब्रिड क्या होता है जैसे दो स्पीशीज है अलग अलग स्पीशीज है अगर उनको रिप्रोड्यूस कराया जाए या फिर उनका क्रॉस ब्रीड कराया जाए तो उनको हम हाइब्रिड जो ऑप्सिकल पैदा होगा उसे हम हाइब्रिड कहेंगे नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव बैरियर्स तो हमने देखा ऐसे ऑप्शिकल्स जो कि दो एनिमल्स या फिर दो ऑर्गेनजम को प्रोड्यूस करने में दिक्कत करते होंगे या फिर बैरियर क्रिएट करते होंगे दैट वुड बी कॉल एज रिप्रोडक्टिव बैरियर हमने देखा था जोग्राफिकल बैरियर था एक जेनेटिक बैरियर था सो दैट इज टर्म्ड अंडर रिप्रोडक्टिव बैरियर बाय नॉमिल नॉमिनक्चर तो ये स्पीशीज ना, को नाम देने के लिए यूज़ होता है जिसमें दो नाम दिए जाते हैं एक है जेनस और दूसरा है स्पीशीज नाम जो हमने पहले देखा और जेनस का नाम जो होता है वो कैपिटल से स्टार्ट करता होता है और सेकंड नेम स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है टैक्सोनॉमिकल हायर तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रखा जाता है वो होता है टैक्सोनॉमिकल हायर सो दट ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप आपको स्पीसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं स्टिल इफ यू हैनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कॉन्सेप्टिल दें गुड बाय